वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो शुरू होने वाली है, मतलब शुरू तो हो चुकी है, मैंने रिकॉर्डेड भी कर लिया। तो बता दूं, ये है मेरा गुना टू मतलब मेरे घर से पुणे जो ट्रेन का सफर है वो, क्योंकि जो ट्रेन का सफर है वो बहुत मस्त होता है। यहाँ के जो पहाड़ी वगैरह जो व्यू होते हैं वो तगड़े होते हैं, ठीक है। तो जो खंडाला नोलामना वो सारी चीजें आपको ए टू जेड चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो मेरे साथ दृश्य देखने, एकदम मस्त मस्त ब्यूटी देखे, इतने अपन नेचुरल ब्यूटी शुरू करते हैं। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम हैं नर्मदा नदी के पुल के ऊपर जो कि बहती है गुजरात में, ओके। तो बता दूं, ये मेरा बाई चांस गलती से इस रेस्यूम बन गया। तो गाइस आप इसको नज़रअंदाज करते हैं और थोड़ा सा बस आनंद है, ठीक है। गाइस आपको बता दूं मैं कि आपका एक स्टेशन आएगा बीच में, ठीक है, जिसका नाम है चौक, ठीक है। बता देता हूँ वो कैसा रहेगा, छोटा सा स्टेशन है, ठीक है। ये चौक यहाँ से आपका, यहाँ से कुछ किलोमीटर बाद आपको एक मस्त टनल देखने को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले आपको एक कुछ इस तरह से, ये चौक से पहले या चौक के बाद ये नवी मुंबई नगर पालिका वाला ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट डाउन करके बता दें, ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया अभी तक, ओके। तो ये ऐसा काम चल रहा है, मीन्स जैसे ही आपको मीन्स कुछ इस तरह से जो पत्थर हो गए ना, जो पहाड़ियाँ उन पर जाली देखने को मिल जाए, ठीक है, तभी आप समझ जाएँ कि अब जो टनल आने वाली है ना वो मस्त आने वाली है। एक नंबर फील आता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है, ठीक है उसमें, और कुछ बता ही नहीं सकता, वो तो आप फील करो बस। इसमें बता दूं, आप इसमें है ना मीन्स खिड़की वगैरह खोल लें, नींद खोल लें, और जो भी है, अगर आप गेट पर खड़े हो सकते हैं तो गेट पर खड़े होकर जो नज़ारा है वो नज़ारा देखें, बिल्कुल एकदम शांति रहेगी, एकदम ठंडी ठंडी आपको बहुत ठंडी मीन्स हल्की हवा महसूस होगी, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको ऊपर से पानी टपकते हुए दिखेगा, और नीचे जो पानी है ना बहता ही रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि पहाड़ पहाड़ के में टपकता ही रहता है, ऐसा नज़ारा बिल्कुल मस्त होता है। बस आप देखिए और सुनिए। अपन इन पहाड़ों को चीते हुए और टनल में से आ गए, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगी चौक के बाद में, थोड़ी चौक के बाद कुछ एक छोटा सा टनल आएगी वो नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद कह सकते हो तुम 5 मिनट बाद आपको जाली वाले पहाड़ में जो साइड में रहते हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद शुरू होती है 5 या 10 मिनट की टनल है, तगड़ी एक नंबर, यू कैन एंजॉय, ओके। इसके बाद ये कर्जत हो जो भी है वहाँ है, देखते हैं अब क्या है, बहुत देर पट रही है गाइस। इसके बाद आपको बता दूं, ये आ गए हम कर्जत, ठीक है। कर्जत पे आपके ट्रेन के पीछे 2 इंजन लग जाएं, क्योंकि आने वाला जो घाट है, ठीक है, घाट मतलब आप समझ रहे हो ना, जो चढ़ाई है वो कुछ डिग्री स्लोप में बदल जाती है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती, इसलिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते जाओ, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कितना स्लोप है, ठीक है। आपको कुछ आवाज़ें आएंगी जो कि ची ची ऐसा लगता है जैसे इंजन कुछ ज़्यादा स्पीड में पावर लगा रहा हो, देख सकते हो आप। ये देखो स्लोप कितना ऊपर स्लोप, ऐसे जब आप जाओगे ना, ये तो नीचे है, जब आप लास्ट में ऊपर पहुँच जाओगे आपको ये मतलब
जगह एक ही रहेगी, आप स्लोप देख पाओ कितना ऊपर है। तो वीडियो देखो अब मजे से। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि अपन आ चुके हैं, मतलब जो पूरा घाट है वो अपन चढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ देर बाद इसके बाद शुरू होगी खंडाला एक खाड़ी स्टार्ट। ठीक है, खंडाला के बाद आएगा लोनावला, लोनावला पे आपकी ट्रेन पहुँच जाएगा स्टॉप। ठीक है, तो मैंने कहाँ तक बनाई, साथ खंडाला तक की बनाई, तो आप खंडाला तक देखो और इन्जॉय करो। गाइस अभी शुरू होने वाली है खंडाला एक गाड़ी और पहाड़ी स्टार्ट होने वाली हो चुकी, मतलब जो आपको व्यू है ना, और जब आप अपनी आंखों से देखोगे वो बहुत मस्त आएगा। ठीक, वैसे तो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, आप जितना मेरी वीडियो में देख सकते हो उतना देखो, नहीं तो आपको मौका मिलेगा जब आप ट्रेन वगैरह सफ़र करोगे तो अपनी आँखों से देख पाओ, क्योंकि आप आँखों से क्लियर देख सकते हो। ठीक है, बहुत गहरी गहरी है, मज़ा आएगा। देखो लास्ट में लाइक करना, ठीक है, अब नहीं आ रहा मेरा फेस। गाइस ये आप आंखों से देखोगे तब